इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर अनार गली सोसाइटी के पेड़ पर सामने मैंने आपको कराची के चारा पर इस तरह से आप देख रहे हैं कि अचानक से तूफानी बारिश और आंधी के साथ यहाँ पर हो रही है। और हम इस वक्त कराची के इलाके गुलबर्ग टाउन में मौजूद हैं, जहाँ पर बंगोरिया सोसाइटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं तेज़ बारिश के मनाजिर जारी है और ये बारिश कुछ देर पहले से हो रही है यहाँ पर तेज़ तूफानी हवाओं के साथ। आप देख सकते हैं नाज़रीन रोड पर इस तरह से बारिश हो रही है, ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे लोगों की आमद और रफ्त भी जारी है और लोग कुछ परेशान भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ के दुकानदार जो है वो अपनी दुकानों को भी बंद कर करके जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं सामने जो हमें होटल नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी लोग बाहर आना चाह रहे हैं मगर वो तेज़ बारिश की बदौलत बाहर नहीं आ पा रहे हैं। और ये नाज़रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा जो है वो जा रहा है और कराची की ये शाहराहें इस वक्त बिल्कुल सन्नाटे का मंजर पेश कर रही हैं। बारिश इस वक्त हल्की हो चुकी है, रोडों पर पानी खड़ा हो चुका है, मगर एक इंतहाई अजीब सी बात देखी गई है कि अभी तक KSC वाले जो है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई वाले शायद सो रहे हैं, जो अभी तक कराची की इन शाहराहों पर लाइट ऑन है, लाइटें बंद नहीं हुई हैं, क्योंकि वो सबसे पहला काम यही करते हैं, लाइटें बंद करते हैं शहर की। तो अब आप देख सकते हैं कि छतों पर से पानी तो गिर रहा है मगर, और ये देखें नाज़रीन आपको बिजली चमकती हुई नज़र आई होगी यहाँ पर, और ये इस वक्त 10:30 बजे का टाइम हो रहा है। ये देखें नाज़रीन ये वो होटल है जिसका भी आपसे जिक्र कर रहे थे हम, और ये आपको लाइव दिखाया जा रहा है अनारकली सोसाइटी के बैक साइड बंगोरिया सोसाइटी से, जहाँ पर बादलों की गरज की आवाज़ भी आ रही है। और ये हम इस वक्त खड़े हुए हैं उबैद कम्युनिकेशन की तरफ, जहाँ पर कुछ लोग भी पनाह के लिए खड़े हुए हैं, दूर दराज से आए हुए लोग, ये देख सकते हैं आप। ये इस दुकान के ओनर जिन्होंने अपना नाम खालिद बताया, भैया जी इस्माइल जो कैमरे में देखते नहीं है वैसे, मगर आज पता नहीं कैसे देख रहे हैं, और ये मैं बना रहा हूँ, ये भी तो आनी चाहिए। भैया जी इस्माइल ये देखिए ना, अभी आपको बारिश नज़र आ रही है और ये गाड़ी यहाँ पर अभी भी रवाना हो रही है। स्विच टू दी स्टूडियोज, अल्लाह हाफिज़।